आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोल्ड चेन। कोल्ड चेन जो है आपका ये सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। तो कोल्ड चेन क्या होता है? कोल्ड चेन ऐसा होता है कि जो भी वैक्सीन्स होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम फ्रीजर्स में रखते हैं, उसको क्या करते हैं ठंडा रेफ्रिजरेट करके रखते हैं, एक टेम्परेचर जो है उसको मेनटेन करके रखना। अगर नियर बाई जो भी डिस्ट्रिक्ट हो गए, फिर नियर बाई हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, वहाँ पर अगर वैक्सीन की कमी होगी तो एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने में जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, तो कौन कौन से कोल्ड चेन जो है वहाँ पर टाइप्स जो है वो हम देखेंगे। तो कोल्ड चेन जो है वो कैसे होती है? कोल्ड चेन जो है उसको हम लोग क्या करते हैं कि 1 मंथ से ज़्यादा जो है कोल्ड चेन में रेफ्रिजरेटर में हम लोगों को 1 मंथ से ज़्यादा जो है वैक्सीन नहीं रख सकते, 1 मंथ तक उसको यूज़अप करना है। कोल्ड चेन जो है उसको ये जो है वैक्सीन जो है हम रेफ्रिजरेटर में रखना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि वो क्या है जब यूज़ हो तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा तो ही ये जो वैक्सीन जो है वो यूज़फुल होगी। सो सबसे पहला तो ताकि इफ़ेक्टिव हो इसलिए रेफ्रिजरेटर यूज़ होती है वैक्सीन्स के लिए। दूसरा ये है कि रेफ्रिजरेटर में 1 महीने से ज़्यादा जो है वैक्सीन को नहीं रखना है। और कुछ एग्जांपल्स है कोल्ड चेन का, जैसे कुछ कुछ इक्विपमेंट्स है जैसे कि वॉक इन कूलर्स हो गया, वॉक इन फ्रीजर्स हो गया, कोल्ड बॉक्सेस हो गया, वैक्सीन बॉक्सेस वगैरह हो गया, तो ये स्मॉल बॉक्सेस वगैरह हो गया। तो ये सारे क्या है एग्जांपल्स है कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होता है। उसके बाद ये है कि ये जो वैक्सीन्स वगैरह जो होती है इनका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 2 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जैसे ये हो गया DPT हो गया, उसके बाद ये डिप्थेरिया पर्टुसिस टेटनस, जो वैक्सीन जो है उसको फ्रीज़र में बिल्कुल भी नहीं रखना है। और बाकी ये जो हो गए किल्ड वैक्सीन्स हो गए या फिर टॉक्सॉइड वैक्सीन्स जो हो गया, ये जो लाइव वैक्सीन्स वगैरह जितने भी लाइव वैक्सीन्स है उन सबको क्या करना है, उनको हमने फ्रीज़र में नहीं रखना है। और उसके बाद ये जो भी है ये जो किल्ड वैक्सीन्स हैं, किल्ड वैक्सीन या टॉक्सॉइड वैक्सीन्स जो आते हैं उसको हमने क्या करना है, मिडिल शेल्फ जो होता है रेफ्रिजरेटर का मिडिल वाला जो शेल्फ होता है वहाँ पे हमने उसको स्टोर करके रखना है, ना कि फ्रीज़र में। ओके, मिडिल शेल्फ में रखना है ताकि ना ज़्यादा ठंडा उनको उसको मिले, ना ज़्यादा उसमें क्या हो कि टेम्परेचर जो है वो ऑल्टरनेट ना हो। उसके बाद क्या है, रेफ्रिजरेटर में जब भी हम दवाएँ रखते हैं तो वो एरिया जो है वो क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। और क्या है कि जो डोर वाला एरिया है रेफ्रिजरेटर का जो डोर है वहाँ पे नहीं रखना है मेडिसिन को, वैक्सीन्स को वहाँ पे नहीं रखना है, क्योंकि उससे क्या होता है डोर जब हम खोलते हैं तो वहाँ से गिर सकती है, स्पॉइल्ड हो सकता है। सो डोर में वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं रखना है। और क्या करना है, वैक्सीन के साथ हमने कोई भी वेजिटेबल्स जो है हमने वो बिल्कुल भी नहीं रखना है। वैक्सीन को अलग रखना है, वैक्सीन के लिए अलग रेफ्रिजरेटर रखना है, और वैक्सीन और वेजिटेबल्स जो होते हैं उसको हमने साथ में नहीं रखना है। और एक और चीज़ है कि जो ये फ्रीज़र्स होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, तो टाइम टू टाइम क्या है उसको साफ़ तो करते रहना है, साथ साथ उसको डिफ्रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा बर्फ़ बन जाती है तो उसको हमें डिफ्रोस्ट करना है, तो ज़्यादा बर्फ़ नहीं बनने देना है। ये कुछ टाइप्स ऑफ वैक्सीन जो है कोल्ड चेन वगैरह जो है। और उसके बाद जो भी एक्सपायर वाले वैक्सीन जो है वो हमने क्या करना है, वो हमने फ्रीज़र से निकाल के अलग से उसको डिस्पोज कर देना है, जो एक्सपायर वैक्सीन को दूसरे वैक्सीन के साथ में नहीं रखना है। और उसके बाद दिस इज़ ऑल अबाउट द वैक्सीन को हमने कैसे उसको मेनटेन करके रखना है। तो ये कुछ टाइप्स है कोल्ड चेन के, कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहला वॉक इन कोल्ड रूम्स, आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ कुछ ऐसे मूवीज़ में देखा होगा या फिर आप गए भी होंगे, तो उसमें एक रूम होता है वो पूरा रेफ्रिजरेटर जैसा रूम होता है, पूरा रूम जो है इतना ठंडा रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। वहाँ पे क्या है, जितने भी चीज़ें हमने उसको फ्रीज करना है तो वहाँ पे रखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉक इन कोल्ड रूम। तो ये क्या होता है कि वहाँ पे उस ऐसे रूम में वैक्सीन जो है वो कितने मंथ्स के लिए स्टोर होता है, स्टोर ओनली फॉर 3 मंथ्स एंड सर 4 to 5 डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि 3 महीने के लिए बस उस कोल्ड रूम जो है वॉक इन कोल्ड रूम में क्या हुआ है कि वहाँ पे वैक्सीन बस 3 महीने के लिए हम रख सकते हैं। एंड वो 3 महीने में क्या होता है, ऐसे जो रूम्स होती है ऐसे जो रेफ्रिजरेटर वाले रूम्स होते हैं वो क्या करते हैं 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वैक्सीन, मतलब उस रूम में 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने लायक वैक्सीन जो है वहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है डीप फ्रीज़र्स। डीप फ्रीज़र्स में कितने के लीटर होता है, जैसे हम जब भी फ्रिज खरीदने जाते हैं या फिर हम लोग ये जो AC खरीदने जाते हैं या फिर हम लोग ये जो वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं, यहाँ पे हमने पूछते हैं कि वेट कितना है, ये वो हम पूछते हैं लीटर्स कितने के, कितने लीटर के आते हैं ये
कितने लीटर का फ्रिज है, कितना लीटर का एसी है, कितना लीटर का वॉशिंग मशीन है। तो फिर डीप फ्रीज़र जो है वो 300 लीटर का होना चाहिए, डीप फ्रीज़र जो है 300 लीटर का होना चाहिए। इसमें क्या बनते हैं, आइस पैक्स जो है वो बनती है, या फिर ये जो है इनलाइन जो है ILRS जो है, इसमें क्या है कि इसमें 300 से लेके 240 लीटर तक का। तो ये जो ILRS है, ILRS stands for आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में क्या बनती है, आइस पैक्स बनती है, जो कि 300 से लेके 240 लीटर का कैपेसिटी होना चाहिए उसमें। तो वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, डीप फ्रीजर्स जो है यूज फॉर मेकिंग आइस पैक्स एंड टू स्टोर ओपीवी एंड मीजल्स वैक्सीन। मतलब कि आइस पैक बनाने के लिए ये जो डीप फ्रीजर्स है वो यूज़ होती है, और ओपीवी मतलब कि और ये जो पोलियो वाला वायरस है, पोलियो वाला जो वैक्सीन है वो, और मीजल्स का जो वैक्सीन है वहाँ पर स्टोर करने के लिए ये जो डीप फ्रीजर जो है 300 लीटर्स का वो यूज होता है। नेक्स्ट इज स्मॉल डीप फ्रीजर एंड ILR सेम ही है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर के लिए यूज़ होता है। ये स्मॉल डीप फ्रीजर जो होता है वो 140 का होना चाहिए, और डीप फ्रीजर जो है वो 300 लीटर्स के होने चाहिए। तो स्मॉल डीप फ्रीजर जो है इट्स यूज फॉर मेकिंग फ्रोजन आइस पैक्स विच आर यूज इन द कोल्ड बॉक्सेस वैक्सीन कैरियर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन। यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रहा है, आइस पैक के लिए यूज़ होता है, ये आइस पैक बनने के लिए यूज़ होता है ताकि वैक्सीन को स्टोर कर पाए, उसको ट्रांसपोर्टेशन जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसमें हेल्प किया जाए। नेक्स्ट है हमारा कोल्ड बॉक्सेस। कोल्ड बॉक्सेस जो है वो किस लिए यूज होता है, यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन बिफोर द स्मॉल आइस पैक्स टू बी प्लेस बिफोर एट द बॉटम ऑफ द साइड। मतलब कि कोल्ड बॉक्सेस में ये जो आइस पैक्स जो है वो बनने के लिए हेल्प होता है, वहाँ पे यूज्ड होता है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वैक्सीन को पहले ट्रांसपोर्टेशन करने से पहले क्या होना चाहिए कि ये जो कोल्ड बॉक्सेस जो है उसके बॉटम वाला जो एरिया है, जो बॉटम्स एंड साइड वाले जो एरियाज है वहाँ पे फुल्ली आइस से, पूरा आइस पैक से कवर्ड किया जाए पहले, उसके बाद वहाँ पे वैक्सीन प्लेस करके ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको भेजना है। नेक्स्ट आवर वैक्सीन कैरियर। वैक्सीन कैरियर जो है वो कैसा होना चाहिए, टू कैरी स्मॉल क्वांटिटी वैक्सीन 16-20 वायल्स एंड द कैरियर टू बी क्लोज टाइटली। मतलब कि ये जो वैक्सीन कैरियर जो है, वैक्सीन कैरियर जो है इसमें 16 से लेके 20 वायल्स ऑफ वैक्सीन जो है उसको कैरी करना है, बस 20 से ज़्यादा नहीं, 16-20 वायल्स जो है वहाँ पे कैरी करना है, और उसको बहुत टाइटली क्लोज करके लेके जाना है। सेम है डे कैरियर्स। डे कैरियर्स में क्या है, टू कैरी वेरी स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ वैक्सीन 6-8 वायल्स फॉर नियर बाय सेशंस, इट इज़ यूज ओनली फॉर फ्यू आवर्स। डे कैरियर्स में क्या होता है कि डे कैरियर्स मतलब दिन में जो जैसे ओपीवी वगैरह लगाने जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा वायल्स, ज़्यादा वैक्सीन जैसे हम कैरी नहीं कर सकते, इसमें हम 6 से लेकर 8 वैक्सीन जो है उतना ही हम कैरी करेंगे अपने साथ, और ये भी उस टाइम पे कैरी करना है जहाँ पे इमीडिएट ज़रूरत हो, वहाँ पे स्टॉक ख़त्म हो गया और वहाँ पे इमीडिएट वहाँ पे ज़रूरत हो वैक्सीन का, तभी इसको हम यूज़ करेंगे। और इसमें कितना वायल्स आएगी, 6-8 वायल्स। ओके, लास्ट है हमारा आइस पैक। आइस पैक वाला जो है उसमें क्या है, आइस पैक कंटेन्स वाटर एंड नो सॉल्ट टू बी एडेड इन इट, द वाटर शुड बी फिल्ड अप टू द लेवल मार्क ऑन द साइड। मतलब कि आइस पैक जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कैसा होना चाहिए, ओनली वाटर कंटेंट होना चाहिए उसमें, सॉल्ट को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है उस वाटर में, उस आइस पैक वाले वाटर में। और वाटर भी कहाँ तक फिल करना है, वहाँ पे एक मार्क होगा, लेवल एक मार्क होगा, वहाँ तक फिलअप करना है, उसके बाद उसको आइस पैक बनाना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोल्ड चेन। आई होप कि आज को समझ में आया आज का क्लास जो है। थैंक यू क्लास।